तो दोस्तों स्वागत है आपका ट्रैवल सिंह की एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास जो स्कॉर्पियो आ रखी है ब्लैक कलर की, स्कॉर्पियो S5 रहने वाली है। उसमें काफ़ी अच्छा डिसेंट मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा सा उसको अपग्रेड करने की कोशिश की गई है। चलते हैं गाड़ी पास, आपको काम दिखाता हूँ A to Z तक क्या क्या काम हुआ है गाड़ी में एक बार, फिर कॉस्ट वगैरह की बात करेंगे। यहाँ आ रखी हम जियो ऑटो, जो अपना स्कॉर्पियो का काम हो रहा है यहाँ पे। अब एक बार आपको गाड़ी के पास लेके चलता हूँ। खातों क्योंकि अपनी स्कॉर्पियो S5 रहने वाली है। तो देख लो फ्रंट प्रोफाइल से शुरू करते हैं, अपनी यूपी की गाड़ी है, यूपी से आए हैं भैया स्पेशल अपने पास। तो भैया क्या क्या काम हो स्कॉर्पियो में अपने थोड़ा बताना, अगर हम यहाँ से बात करते हैं ऊपर से हेडलाइट से शुरू करते हैं। हेडलाइट में हमने अपने प्रोजेक्टर डाले, ये प्रोजेक्टर डाले हेडलाइट में, ये थोड़ा लुक देखो बहुत ही बढ़िया। उसके अलावा DRL, मतलब लाइट के अंदर ही काम हुआ है, अपनी लाइट खोल के काम हुआ है। ये अपने मैट्रिक्स वाले DRL रहते हैं, थोड़ा सा आपको सामने से दिखाते हैं, आपको एक आइडिया हो जाए किस टाइप की लुक रहने वाली है। आउटपुट आपको दिखाता हूँ, फिर हम नीचे की तरफ भी जाएंगे, वहाँ की भी बात करेंगे। अभी आउटपुट देखो बहुत ही जो कहते हैं ना शार्प लाइट है, मेरी आंखों में घुस रही है। अब आपको एक बार वॉल पे दिखाता हूँ आउटपुट किस टाइप का रहने वाला है। ये देखो आप, तो आप देख सकते हो कि इसकी बीम कितनी ज़बरदस्त रहने वाली है। लाइट का आउटपुट आप अंदाज़ा लगा सकते हो, रात में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है स्पेशली हाईवे वगैरह पे। एक बार भैया डिपर वगैरह मार के दिखाना ज़रा, ये देखो, ये देखो तो कितनी ब्राइट लाइट मिलने वाली है आपको, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। उसके अलावा अगर हम नीचे वाली साइड की बात करते हैं तो अपना इधर जो है अपने जो है DRL डाल रखे हैं विद इंडिकेटर रहने वाले, अभी आपको फंक्शन की दिखाई होगी। थोड़ा सा भैया अगर हम ये इधर फॉग लाइट की साइड आते तो अपने फॉग लाइट में क्या क्या काम होगा नीचे, अगर हम फॉग लाइट में भी हमने DRL लगाई है, ठीक है ठीक है, और ये हमने इसमें LED डाली है, LED डाली है जी, ठीक है। और ये विद क्रोम, ये आपने पूरा डाला है, पूरा डाला, पूरा क्रोम वाला सेट पूरा डाला है। एक बार भैया ऑफ करके दिखाना सो दैट लाइट, एक बार पूरा क्रोम का सेट दिखा पाऊँ भाइयों को मैं। ये देखो ये पूरा क्रोम वाला सेट है विद DRL, और ये प्रोजेक्टर जो है LED डाली इसके अंदर, इसका भी काफ़ी ब्राइट लाइट है। खाली ये जला के दिखाना भैया, ये देखो इसका भी आउटपुट आप देख सकते हो। अभी अपनी हेडलाइट ऑफ है, हेडलाइट्स वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे अभी, इसका भी जो है काफ़ी ब्राइट लाइट है, काफ़ी अच्छा आउटपुट आ रहा है। उसके बाद थोड़ा सा भैया इंडिकेटर चला के दिखाना कि आउटपुट रहने वाला है। तो ये देखो आउटपुट देखो, काफ़ी बढ़िया आउटपुट रहने वाला है। थोड़ा सा आगे आपको एक बार कंप्लीट लुक दिखाता हूँ सो देट आपको आइडिया हो जाए गाड़ी की पूरी लुक आगे से किस टाइप की आ रही है। चारों लाइट जलाना भैया एक बार, चारों इंडिकेटर। थोड़ा सा मैं पीछे से आपको देखा, तो गाड़ी का लुक बहुत ही परफेक्ट है आगे से, और बस ही मॉडिफिकेशन है, और बेसिकली अपनी नई गाड़ी है जैसे देख लो, और हॉर्न वगैरह भी डाल रखे। क्रेटा वाले हॉर्न है इसमें, कौन से वाले, मेगा सोनी के डबल हॉर्न है। अच्छा तो इसमें डबल हॉर्न रहने वाले हैं, कंपनी वाला ये अपना कंपनी वाला है, ठीक है। अब भैया जो मेगा सोनी का लगाया उसका भी सुनाना ज़रा, ये मेगा सोनी का रहने वाला है। तो डबल हॉर्न है, आपकी मर्जी है जो मर्जी चाहे बजाओ, डबल फीचर रहने वाले। अंदर से मैं स्विच वगैरह दिखाऊंगा कैसे सेटिंग की गई है। अगर थोड़ा सा हम साइड पे आते हैं तो इधर की बात करते हैं, तो ये अपना जो फ्रंट स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग हो रखी है, काफ़ी बढ़िया लुक आ रही है इससे। उसके अलावा अगर आप लाइट वाला गुलवाना चाहते हो तो लाइट वाला भी मिल जाएगा अपने पास। ये अपना सिंपल रहने वाला है, क्योंकि जिनकी गाड़ी उनको सिंपल मॉडिफिकेशन चाहिए था। बाकी अपनी ब्लैक जैसे स्कॉर्पियो अगर आप लाइट वाला लगवाते हो ना तो बहुत बढ़िया लुक आएगा इसमें। बाकी अभी साइड प्रोफाइल की और बात करते हैं, साइड में क्या क्या काम हुआ है। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो ये देखो साइड पे क्रोम वगैरह का काम हो रखा है, ये देखो इससे भी थोड़ा सा एक अच्छी लुक रहती है साइड से। उसके बाद हम थोड़ा सा इधर और आते हैं, तो ये जो है क्योंकि अपना S5 रहने वाला है, सिंपल रहता है, तो इधर इंडिकेटर वगैरह साइड पे दे रखे, जो कि अपना हाई मॉडल्स में ये वाला फीचर रहता है, जो कि लुक इसमें डाल दी गई। दूर से आपको अभी एंड में पूरी लुक दिखाऊंगा ओवरऑल क्या लुक रहने वाली। बाकी ये अपने वॉइजर वगैरह रहने वाले हैं स्कॉर्पियो ब्रांडिंग, आप देख सकते हो। थोड़ा सा आपको दूर से दिखाता हूँ सो देट आपको साइड की लुक का आइडिया हो जाएगा, क्योंकि साइड पर कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ, जो हमने मिरर पर इंडिकेटर्स वगैरह डाले हैं प्लस ये जो वॉइजर वगैरह काम हुआ है, तो इस टाइप की लुक रहने वाली। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था सिंपल एंड डिसेंट मॉडिफिकेशन कराई है गाड़ी में। अब थोड़ा सा जो है पीछे की तरफ आते हैं, थोड़ा सा अगर हम बैक प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो जैसे कि आपने देखा ये जो S11 में ये वाली चीज़ मिलती है जो पीछे पिलर लगे होते हैं, उस टाइप का चीज़ रहने वाला है, ये देख लो आप। तो पीछे से S11 की जो लुक बनाएगी इसमें,
उसके बाद थोड़ा बात करते हैं। तो रिफ्लेक्टर भी डाले भैया हमने इसमें, उसके बाद रिफ्लेक्टर भी लगे, इसमें इंडिकेटर भी चलते भैया। अच्छा नॉर्मल ब्लैक लाइट है, तो ये ब्रेक लाइट के साथ डबल मोड रहता है। अभी ये नॉर्मल है, ब्रेक प्रेस करके अभी आपको आउटपुट दिखाएंगे। पहले एक बार गाड़ी का मैं आपको काम दिखा दूँ कि गाड़ी में क्या क्या काम हो, उसके बाद मैं आपको वो चीज़ भी दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा ये जो है अपना रियर गार्ड लगा है, रियर बम्पर गार्ड लगा है। थोड़ा सा पीछे से आपको लुक दिखाता हूँ। और ये भी जो है ये उस टाइप के रिफ्लेक्टर रहते हैं, जैसे गाड़ी की पड़ के ना लाइट वगैरह शाइन होता है। अभी देखो जैसे फ्लैश वगैरह पड़ रही है मेरे कैमरे की, तो शाइन हो रहा है, तो इस टाइप का रहने वाला है। उसके अलावा पीछे डिक्की क्रोम भी डला है, जिसे आप देख सकते हो। तो थोड़ा सा ब्लैक कलर है ना, तो क्रोम की जो लुक है बहुत बढ़िया आती है, गाड़ी को एक हाईलाइट से लुक देती है। पूरा आपको पीछे से एक बार लुक दिखाता हूँ कंप्लीट की गाड़ी का किस टाइप का लुक रहने वाला है पीछे। तो इस टाइप का काम हुआ है गाड़ी में पीछे। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर दिखाता हूँ क्या क्या काम हुआ है गाड़ी में। ये हम एंटर करते हैं, ये जो है स्कफ प्लेट कहते हैं इसको, इसमें लाइट वाला भी आता है, उसको वेलकम लाइट कहते हैं। जो नॉर्मल स्कफ प्लेट लगी है विदाउट लाइट रहती है, स्कॉर्पियो ब्रांडिंग की। बाकी लाइट वाला भी चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी इसमें लगी है। इधर इधर की साइड आते हैं तो अपनी गाड़ी में फ्लोरिंग हो रखी है। रिकमेंडेड चीज़ें मैं आपको हर एक वीडियो में कहता हूँ, अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो ना तो ये ज़रूर लगवा दो, आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ड्राई क्लीन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, कोई खाने की आइटम गिर रहा है, मीठा वगैरह गिर रहा है, स्मेल वगैरह नहीं रहती, गीला कपड़ा मारो आपकी गाड़ी साफ़ हो जाती है। अदरवाइज़ अगर आपने फ्लोरिंग नहीं करवानी 70 मैट भी लगवा सकते हो, उससे भी सेम सेफ्टी रहती है। बट फ्लोरिंग जो है मैं रिकमेंडेड आइटम है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि फ्लोरिंग ज़रूर कराओ गाड़ी में। अगर आप फ्लोरिंग करा दोगे तो नॉर्मल मैट भी डलवा लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा अगर थोड़ा सा और इधर आते हैं तो अपना स्टेयरिंग कवर वगैरह स्टिच हुआ है, जो कि अपना टॉप मॉडल फीचर में रहता है। थोड़ी सी अच्छी ग्रिप वगैरह रहती है और लुक भी गाड़ी की एक अच्छी डिसेंट लुक आती है। तो अभी थोड़ा सा सीट कवर की तरफ चलते हैं। सीट कवर अपने बकेट फिटिंग रहने वाले हैं, जैसे देख लो ये पूरा बकेट फिटिंग रहने वाला है प्रॉपर अच्छे तरह से। ये बकेट फिटिंग रहने वाला है अपनी सीट कवर, जो कि अपने इंटीरियर के साथ मैचिंग रखे गए हैं। इस टाइप की सीट कवर है और वहीं कंफर्ट प्लस ब्रांडेड माल लगा है, तो इस टाइप के रहने वाले हैं सीट कवर। बाकी अभी बैठ के आपको इसका रिस्पॉन्स बताऊँगा क्या रहने वाला है इसका रिस्पॉन्स वगैरह। अभी एक बार फिटिंग वगैरह चेक कर लो, फिटिंग वगैरह बहुत ही परफेक्ट है गाड़ी की सीट कवर की, देख लो प्रॉपर देख लो। अभी मैंने पहले वीडियो में भी आपको दिखाया था कंफर्ट प्लस की जो जेन्युइन पहचान होती है, पीछे टैग लगे होते हैं, पीछे चलते दिखाता हूँ आपको। उसके अलावा अपनी गाड़ी में एंड्रॉयड लगाए है, 10 इंच का एंड्रॉयड लेने वाला ये वाला, और स्पीकर वगैरह लगे हैं, तो देखते हैं कौन से लगे हैं बताता हूँ आपको। JBL है, मतलब टोटल 6 स्पीकर लगे अपनी गाड़ी में, 4 स्पीकर लगे हैं, 4 स्पीकर लगे हैं। इसमें पीछे वाली डोर में जगह नहीं होती, तब दो डिक्की में, दो फ्रंट डोर में, ठीक है दो फ्रंट में, तो आगे चलते हैं। तो ये अपने JBL के ये वाले स्पीकर लगे हैं, जो दो आगे लगे और दो बैक साइड मैंने अभी आपको दिखाया था। उस पर जाली जरूर रॉकफोर्ड की लगी है, बट स्पीकर जो है अंदर JBL के। बाकी एक बार दिखाता हूँ साउंड को, आउटपुट भी आपको दिखाऊंगा किस टाइप का रहने वाला है। ये रहने वाले अपने JBL के स्पीकर, आउटपुट वगैरह देखेंगे, क्योंकि दो आगे लगे हैं और दो पीछे लगे हैं डिक्की में मैंने आपको दिखाया। अपने एंड्रॉयड की स्क्रीन लगी है ये, इस पर जो थोड़ी बड़ी स्क्रीन लगी 9 इंच से ऊपर की स्क्रीन है। उसके अलावा जो कंफर्ट प्लस के सीट कवर्स की मैं बात कर रहा था, मैं एक बार उसको आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कंफर्ट प्लस की ब्रांडिंग हो रखी है इस पर, तो अपने कंफर्ट प्लस के सीट कवर रहने वाले हैं इसमें। भैया वारंटी वगैरह क्या मिलती है हमको कंफर्ट प्लस में? तो इसमें 3 साल की वारंटी रहती है, कंफर्ट प्लस के सीट कवर रहते हैं इसमें, 3 साल की वारंटी रहती है। अभी बाकी अपनी लाइट लगा रखी है अंदर, देखो चेंज करा के अपनी आगे से दिखाता हूँ एक बार आपको लाइट की इस टाइप की लुक रहने वाली। तो हम बात करते हैं क्रेटा वाली राइड रहने वाली है, ये देखो ये जो अपने सन ग्लासेस वगैरह रखने की जगह मिलती है, तो क्रेटा वाली लाइट डाल रखी है इसमें, काफ़ी ब्राइट लाइट है और मैंने आपको दिखाई दी है। बाकी इस टाइप का अंदर का जो है, क्योंकि अंदर ज़्यादा काम नहीं हुआ, अंदर अपने साउंड में काम हुआ है प्लस सीट कवर वगैरह में काम हुआ, और काफ़ी कम्फर्ट लेवल काफ़ी अच्छा है। ऑलरेडी मैं सीट कवर पर बैठा हूँ। अब एक बार गाड़ी की आपको लुक वगैरह दिखाता हूँ, उससे पहले साउंड सुनाता हूँ, फिर आप देख सकते हो अपने ब्लैक स्कॉर्पियो में जो है ABS बम्पर प्रोटेक्टर लग चुका है। और इसमें भैया लाइट वगैरह भी जलती है इसमें, तो नीचे अपने रिफ्लेक्टर आ रहे हैं, अच्छा डमी होता है, जैसे अगर कोई आगे से लाइट वगैरह आएगी तो वो शाइन करेगा, उस टाइप का रहेगा। बाकी उस पर स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग हो रखी है, तो पूरी अपनी इस टाइप की लुक रह रही है गाड़ी से। आगे लाइट्स वगैरह आपको दिखा दिए, अब एक बार साउंड वगैरह सुनाते हैं, उसके बाद गाड़ी का आपको एक बार 360 डिग्री व्यू दिखा के, और जो है जो कार ओनर है उनका फीडबैक वगैरह लेते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है काम के बारे में। Thank you.
से आप साउंड सुन सकते हो, काफ़ी एक डिसेंट साउंड रखी है और साउंड क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। बाकी अपना पीछे कैमरा वगैरह भी लगा है, एक बार मैं आपको उसका भी दिखाता हूँ किस टाइप का आउटपुट रहने वाला है। उसके बाद गाड़ी का 360 डिग्री व्यू दिखाऊंगा। बाकी अगर आप साउंड और हैवी करवा सकते हो, एम्प वगैरह लगवा के, बेस ट्यूब वगैरह लगा के साउंड अपना और हैवी कर सकते हो। बाकी परफेक्ट साउंड है, जो एक लाइट साउंड और एक डिसेंट साउंड लाइक करते हो उनके लिए परफेक्ट है। तो देखो अभी ऐसे बैक गेयर डाला है, क्लैरिटी देखो कितनी है विद अपना जो है सेंसर आता है और ये साउंड जैसे हो रही है कि बैक गियर की साउंड लगी हुई है, प्रॉपर गाइड कर रहा है आपको। तो रिकमेंडेड आइटम है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर गाड़ी में आप स्क्रीन लगा रहे हो, एंड्रॉयड लगवा रहे हो, तो एक 9 महीने से कॉस्ट में आपको एडिशनल फीचर मिल जाते हैं। बाकी ये जो काम हुआ गाड़ी में, एक बार आपको 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ और जो कार ओनर है उनका फीडबैक लेता हूँ, बताएंगे क्या कहना उनका काम के बारे में। जो क्रोम की बात कर रहा था, अपने जो वाइट स्कॉर्पियो में लगा था भैया ने ब्लैक स्कॉर्पियो में लगा लिया, मैंने इनको रिकमेंड किया कि अब ये लगाओ। और अब देखो गाड़ी की लुक देखो कितनी बढ़िया आ रही है, ये अब लुक देख सकते हो, सिर्फ इसको लगाने से गाड़ी की लुक कितनी बढ़िया होगी। अभी गाड़ी का 360 डिग्री पूरा व्यू दिखाऊंगा आपको, फिर देखना क्या लुक रहने वाली गाड़ी की, बहुत A1 लुक रहने वाली है। बाकी लाइट्स वगैरह का मैंने आउटपुट दिखा दिया था, काफ़ी अच्छा आउटपुट है। बाकी अभी पूरा दिखाता हूँ, थोड़ा सा अंदर कुछ काम चल रहा है, हो जाए फिर मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा और कस्टमर का भी फीडबैक लेंगे उनका क्या कहना है काम के बारे में। करते हैं अपने 70 मैट वगैरह इंस्टॉल हो चुके हैं, तो ऑलरेडी फ्लोरिंग हुई थी, ऊपर से 70 मैट इंस्टॉल हो गए, तो काफ़ी बढ़िया कवरेज रहने वाली गाड़ी की, क्योंकि नई गाड़ी है तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप 70 मैट लगाते हो तो आपकी डबल सेफ्टी होती है गाड़ी की। क्रोम हैंडल वगैरह लगा रखे गाड़ी में तो लुक काफ़ी बढ़िया आ रही है, देख लो, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक गाड़ी ना, तो क्रोम हैंडल से लुक काफ़ी एनहेंस होकर आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ी में क्रोम का काम हो जाए। तो भैया आज हमारे पास स्कॉर्पियो लेके, भैया कहाँ से आए आप? नोएडा सेक्टर 12 में। नोएडा से आए भैया स्पेशल यहाँ दिल्ली हमारे पास करोल बाग जी ऑटो पे। भैया क्या कहना आपके काम के बारे में, क्या फीडबैक है? काम एक नंबर का हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है और टाइम से काम हुआ है। पूरी गाड़ी में जो भी काम हुआ है इसमें बिल्कुल भी टाइम ख़राब नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी जेन्युइन जैसे बात हुई थी वैसा काम हुआ, ये नहीं कि पहले बताया कुछ था बाद में काम कुछ हुआ है। हमें सबसे अच्छा यहाँ बातों का एक्सपीरियंस बहुत इनका अच्छा था, काम भी बहुत अच्छा है इनका। पूरी गाड़ी में A to Z जैसे पहले बताया था समझाया था वैसा ही काम हुआ है, बल्कि कोई भी चीज़ पूरी गाड़ी में लोकल नहीं लगी है, सब जैसा इन्होंने पहले बताया था सब वैसा हमें सामान मिला है, पूरी गाड़ी ओके करी तो है। मतलब आप खुश हो गया, पैसा लगाया वसूल हो गया। तो मतलब जो आप उम्मीद लेके आए थे नोएडा से यहाँ पे, वो आपकी उम्मीद के बराबर काम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी पैसा लगा हमारा वसूल हो गया, वसूल हो गए। तो चलिए ये जो सबसे मेन बात है, तो भैया थोड़ा सा अगर खर्चे की बात करें तो गाड़ी में क्या खर्चा हुआ है? गाड़ी में 1.25 लाख रुपए करीब खर्चा हुआ है, अलॉय का जो काम उसको मिलाकर। हाँ, अलॉय वगैरह लेके जो भी गाड़ी में A to Z खर्चा हुआ है 1.25 लाख रुपए करीब खर्चा हुआ है, और इतना ही इंस्ट्रूमेंट हमें शुरू में बता दिया था। ठीक है, चलिए थैंक यू भैया।